जिमी 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 आजा आजा आजा, जिमी 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 आजा आजा आजा, आजा है मेरे साथ ये जा की रात, मुझी हूँ मुझी सुन सुनना ये मुझी दुन, जिमी 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 आजा आजा। सारा स्टाफ है इंडिया, ये दिल्ली दिल्ली इंडिया मूवी का दिखला है, इंडिया गाना सुनना ये है हमारा बहुत बहुत प्यार गाना। लेकिन ससुराल तो आपका चीन हो गया। खबरतोड़ न्यूज में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा आप जो शादी हुई आपकी, कब शादी हुई है? 12 दिसंबर को हमने शादी किया। ऑलरेडी आज कितने तारीख हुए हैं? आज 18 हुआ ना, हो गया 4-5 दिन हो गए। शादी के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, परिवार की कैसा प्यार मिल रहा है और किस टाइप से आपको मतलब यहाँ किस प्रकार की खुशी मिल रही है? शादी से पहले भी अच्छी खासी खुशी थी और शादी के बाद चूंकि एक नई फैमिली मेंबर्स ऐड हो गई है हमारे परिवार में, तो मेनली तो आप परिवार वाले से पूछिए कि उन सबको कैसा लग रहा है। मैं तो जहाँ तक देख रहा हूँ सारे लोग सब बहुत ही खुश हैं। हाँ, इन दिनों चूंकि मीडिया का थोड़ा ज़्यादा आना जाना हो गया है तो उतना ज़्यादा अभी हम सब भी फ्री नहीं हो पाए, क्योंकि जब से शादी हुई है उसके बाद से मीडिया का लगभग आना जाना लगा हुआ रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा जब थोड़ा शांत हो तो हम लोग परिवार के साथ और भी अच्छे से गपशप करें। सर आप चीन कब गए? मैं चीन 2013 में पहली बार गया था, 10 साल हो गए। पढ़ाई करने के लिए। हाँ, पढ़ाई करने के लिए। सर आप जब जा रहे थे तो आपको यह लग रहा था कि चीन हम पढ़ने के लिए जाएंगे तो वहाँ मेरी शादी हो जाएगी? नहीं, वो तो मैं नहीं सोचा था कभी भी, क्योंकि पहला तो ये कि चीन जाने के लिए भी नहीं सोचा था कभी भी। तो चीन जाना ही एक अपने आप में जो है बहुत ही गर्व की बात है, या फिर हमारे जैसे जो आम परिवार वाले लोग होते हैं उनके दिमाग में भी नहीं आता है कि शायद विदेश जाएं या फिर चीन जाएं, तो वो अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छी चीजें थी। और जहाँ तक ये चीन में शादी करके लाने वाला, तो वो चीज तो चीन में शादी नहीं हुई, चीन में मुलाकात इससे हुई, लेकिन शादी इंडिया में हुई है। इंडिया हुई, लेकिन ससुराल तो आपका चीन हो गया ना सर। हाँ, कह सकते हैं। तो आपका ताबड़तोड़ न्यूज में स्वागत है। स्वागत है, धन्यवाद धन्यवाद। आप जो है चीन में सबसे पहले कब मिले थे भैया से? 2013 है। अच्छा आप जो इंडिया आए हैं, इंडिया में आपकी शादी हुई है, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत मजा आ गया। बहुत मजा आ गया। अच्छा घर परिवार के जो लोग हैं, मेंबर हैं, वो आपको कैसा प्यार देते हैं? बहुत बहुत प्यार करता है। बहुत यहाँ पे आपको खाना में क्या पसंद? हमारा खाना है बहुत है यहाँ है, इंडियन का चीज है, पसंद है, समोसा है। समोसा हम बनाई थी। आप भी बनाए हैं? हाँ, हम बनाए थे हैं। आपको बनाना आता है क्या? हाँ, आता है। ये आलू का, आलू गोभी और कुछ कुछ टमाटर मसाला। हाँ, ये इन्नर का है, पहाड़ में का और कैसे कैसे क्या है, मैदा। हाँ, बनाए है। आप बनाए हैं? हाँ, हम बनाए हैं। अच्छा अब आप चीन कब जा रही हैं? देख रहा है, ये हमारा वीजा अभी एक्सटेंड चालू हुआ है ना, अभी प्रोसेसिंग है। ये एक्सटेंड वीजा मिला है ठीक तो है, और एक्सटेंड नहीं हुआ है, एग्जिस्ट वीजा मिला है, हम निकालिए हैं। वीजा का प्रोसेस चल रहा है, अगर एक्सटेंशन का प्रोसेस में कोई दिक्कत ना हो तो हम सब थोड़े समय तक और रहेंगे, क्योंकि अगर आप विदेश से आते हैं तो एक टाइम लिमिट आपके पास होते हैं, तो अगर एक्सटेंड हो जाती है तो शायद हम सब थोड़े समय तक रहें, और अगर मान लीजिए इसमें कुछ टाइम लगे या फिर ना हो पाए तो फिर हम सब वापस निकल जाएंगे जल्दी ही। लगभग आप हिंदी में समझ जाते हैं, बोल कम पाते हैं, तो बोलना कैसे आप सीख लिए और समझना कैसे सीख? ये दिल्ली दिल्ली इंडिया मूवी का दिखला है, इंडिया गाना सुनना ये है, हमारा इंडियन शेफ है इसीलिए थोड़ा थोड़ा हिंदी। हाँ, इंडियन गाना थोड़ा सुनती है, थोड़ा हमारे सुनती जो स्टाफ है वो। हाँ, वहाँ क्या आपका बिजनेस अभी चल रहा है? इंडियन रेस्टोरेंट चालू है। इंडियन रेस्टोरेंट चालू है। और इंडियन रेस्टोरेंट में जो है यहाँ का वर्कर है, इंडिया का वर्कर है, या चीन का वर्कर? इंडियन खाना, पूरा इंडियन खाना, यह हमारा एक अकेले चीन है, सारा स्टाफ है इंडियन है, सभी स्टाफ इंडियन है, और इंडियन उसमें खाना भी बनता है।
खाना बंद है, इंडियन रेस्टोरेंट ही है तो इंडियन खाना ही बनेगा ना। हाँ, इंडियन खाना मतलब वहाँ इंडियन खाना लोग पसंद करते हैं, पसंद है, बहुत पसंद है, पर इसलिए है मोस्ट ऑफ चाइनीज कस्टमर्स एंड सम फॉरेनर्स और सम इंडियंस इन चाइना ना, दे लाइक आवर रेस्टोरेंट्स फूड। अभी एक चाइना में ज्यादातर हमारे जो कस्टमर्स हैं वो चाइनीज कस्टमर्स ही हैं, उसके अलावा और भी जो विदेश वाले, जो दूसरे दूसरे देश वाले जो लोग होते हैं वो सब भी हैं, और कुछ इंडियन भी है, तो जिसके कारण हमारा रेस्टोरेंट वहाँ पे बहुत अच्छा चलता है। अच्छा, एक जो है आपका सॉन्ग हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे काफी वायरल चल रहा है, वो सॉन्ग थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। थोड़ा सा गुनगुन और क्या क्या और क्या गुनगुनाना है, जिमी हो गया ना, जी बहुत, और जिमी है, बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत पसंद है आपका यह सॉन्ग। ठीक है ठीक है। जिमी 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 आजा आजा आजा, जिमी 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 आजा आजा आजा, आजा रे मेरे साथ ये जा की रात, मुझी हूँ मुझी सुन सुनना ये मुझी धुन, जिमी 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 आजा आजा आजा। क्या कितना सुंदर सॉन्ग गाई है, बहुत ही हमें अच्छा लगा सॉन्ग। और ये कौन है आपके? हमारा बाबा जी हैं। पापा जी। अच्छा, आप इनके ससुर जी हुए? तो बहू जो है चीन से आई है, तो आपको मतलब बहू की प्यार दे पा रही है या कुछ दिक्कत? भरपूर प्यार मिल रहा है, सारे सारे घर के परिवार मेंबर प्लस समाज का पूरा सभी खुश है। ये जो कुछ दिन के बाद यहाँ से चले जाएगी और यहाँ पे अभी ढल चुकी है, रह रही है, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है? अच्छा। यहाँ से जब चले जाएगी तब आपको कैसा लगेगा? नहीं, एक बहू और है मुझे ना, ये जो चले जाएगी इसकी थोड़ा सा प्यार तो है ही है, थोड़ा सा डिफरेंस तो हो ही जाता है, थोड़ा बहुत को थोड़ा सा दिक्कत हो। और ऐसे बड़ी बहू है वो भी बहुत हर इक्वल कही है। आप कौन हुए? मम्मी है। मम्मी है, बहू की प्यार दे पा रही है आपको या नहीं दे पा रही है अभी? इसमें कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, यहाँ का जैसे कि चाइनीज कल्चर और इंडियन कल्चर में, उसमें भी बिहार का कल्चर में बहुत ज्यादा फर्क होता है, तो बिहार का कल्चर से कुछ भी अभी तक ढली है या नहीं ढली? वो तो चाइनीज है तो बिहार में आई है तो ढलने में तो टाइम लगेगा। हाँ। हाँ, लेकिन बहुत चीज सीख गई है, सब जानती है। आप बहू से बहुत खुश हैं? खुश हैं। तो यह थे वही परिवार जिस परिवार को आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल देखते होंगे, और उसी से हम आपको परिचय करवाने का प्रयास किया। यह प्रयास आपको कैसा लगा और दोनों जोड़ी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए ताबड़तोड़ न्यूज। जय हिंद।